वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि एपीजी ब्यूटी जोन से। आज की हमारी ये वीडियो ऑफिस गोइंग गर्ल और वुमेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसा मेकअप लुक क्रिएट किया है जो ऑफिस गोइंग गर्ल या वुमेन बहुत ही नॉर्मली कर सकते हैं और बिना टाइम को लगाए हुए 10 मिनट में हम फटाफट से रेडी होकर ऑफिस जा सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए देख लेते हैं कि हमने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। और बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देख लेते हैं कि हमने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर। इसको अपनी फिंगर की हेल्प से टैप टैप करते हुए अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ये हमारे फेस के टोनिंग का काम करता है। और अब मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को मैं प्राइमर की जगह पर लगा रही हूँ, क्योंकि डेली बेस पे प्राइमर से बेस्ट मैं जेल को समझती हूँ, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने जेल को अच्छे से लगा लिया है। अब मैं लगा रही हूँ लकमे 9 to 5 का सीसी क्रीम। मैंने अपने शेड का लिया है, आप अपने शेड के अकॉर्डिंग लें। आई थिंक इसमें 4 शेड आते हैं, 2 लाइट 2 डार्क, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ये शेड लें। और इसको मैं टैप टैप करते हुए अपने फेस पे अप्लाई करके फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए डेली हम बहुत लेट होते रहते हैं, तो ब्रश से मेकअप करने में हमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से इसको। और देखिए, मैं अपने सीसी क्रीम को अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और ये हमारा सीसी क्रीम ब्लेंड हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ NYbae का कंसीलर अपने अंडर आई, डार्क सर्कल पे और नोज पे, फोरहेड पे, माउथ के अराउंड। और इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग अच्छे से करें, मेकअप बहुत ही वेस्ट होता है। टैप टैप करते हुए मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा मैंने रोज वाटर से स्प्रे किया था, इससे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। इसलिए अब मैं अपने सीसी क्रीम को सेट करने के लिए लगा रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट। इससे मेरा सीसी क्रीम और कंसीलर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। नेक पे भी अच्छे से लगा लूंगी। और ये हमारा कॉम्पैक्ट लग गया। अब मैं लगा रही हूँ सिवाना का हाइलाइटर। इसमें से सिल्वर शेड लेके अपने नोज़ को हाइलाइट कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, चिक्स पे थोड़ा सा लेके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दो, अब मैं आईब्रो के पास इसको हाइलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा लगा के इसको फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। लिप्स के ऊपर ये मेरा हाइलाइटिंग हो गई। अब मैं लगा रही हूँ काजल। वाटर लाइन पे अपने लगा लूँगी और अपने अपर लैशेस पे भी लगाऊंगी, इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अब मैं ले रही हूँ ब्राउन शेड आईशैडो। इससे अपने आईब्रो को एक ब्रश की हेल्प से फिल करूँगी, बहुत ही लाइट फिल करूँगी दोनों आईब्रो को। लाइट इसलिए फिल करेंगे ताकि बहुत ही नेचुरल लगे। और मैंने इसलिए ब्राउन शेड लिया है, क्योंकि ब्राउन शेड जो होता है वो हमारी आईब्रो को बिल्कुल नेचुरल दिखाता है, ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत सा कुछ फिल कर लिया है आईब्रो पे अपने, तो इसलिए मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ। ये हमारी आईब्रो फिल हो गई। अब मैं ले रही हूँ मैक का वाटर प्रूफ मस्कारा। इसको मैं अपर लैशेस पे लगाऊंगी अच्छे से। दूसरी आईज पे भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी अपर लैशेस पे, और लोअर लैसेस पे भी लगाऊंगी, क्योंकि हमारा मस्कारा परफेक्ट तभी होता है जब हम अपर लैसेस लोअर लैसेस दोनों पे लगाते हैं। तो ये हमारा मस्कारा डन है। अब मैं लगा रही हूँ जो लिप शेड में लगाऊंगी, उसी लिप शेड को, पिंक लिप शेड को मैं ब्लशर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और टैप टैप करते हुए ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अगर आप ब्लशर यूज़ करना चाहते हैं तो ब्लशर भी यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं लिप्स पे लगाऊंगी ये NYbae का लिप कर्लर। ये काफ़ी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये बहुत ही न्यूड शेड मैंने लिया है, ऑफिस के लिए बहुत ही परफेक्ट शेड है लिपस्टिक का। इसको अच्छे से मैं लगा लूँगी। ये हमारी लिपस्टिक डन है और अब मैं एक आईब्रो ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक। ऑफिस के लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस मेकअप लुक को आप अच्छे से क्रिएट करिए। मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने जिन प्रोडक्ट को यूज़ किया उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा फाइनल मेकअप लुक। बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।